मोतिहारी वासियों के लिए खुशखबरी, इस साल बारिश के मौसम में शहर में जल जमाव नहीं होगा। इसके लिए प्रशासन ने पहल की है। प्रशासन की पहल पर शहर के नालों को अतिक्रमण मुक्त करने का अभियान शुरू हो गया है। सर आज आगे शहर में निकले हुए भ्रमण के लिए, देखिए मुख्य तौर से जो मॉनसून को देखते हुए नगर निगम के द्वारा जो नाला की उड़ाई की जा रही है उसी की मॉनिटरिंग जिला पदाधिकारी महोदय के निर्देशानुसार हम लोग कर रहे हैं और हमारा इसमें कोशिश यही है कि शहर में जल जमाव नहीं हो बारिश के समय में और लोगों को किसी तरह की असुविधा नहीं हो। बता दें कि शहर में हर साल बारिश के मौसम में जल जमाव की समस्या आम होती है। इसके लिए नालों की सही सफाई नहीं होना और अतिक्रमण को जिम्मेदार बताया जाता है। इसी को ध्यान में रखते हुए अतिक्रमण हटाने का अभियान शुरू किया गया है। आज सदर अनुमंडल पदाधिकारी सौरभ सुमन यादव के नेतृत्व में शहर के हॉस्पिटल रोड, जानपुल और हिंद्री बाजार समेत कई क्षेत्रों में अभियान चलाया कर नालों को अतिक्रमण मुक्त कराया गया है। मौके पर मौजूद अनुमंडल पदाधिकारी सौरभ सुमन यादव ने बताया कि मॉनसून के आने से पहले नगर निगम के द्वारा नालों की सफाई की जा रही है। अतिक्रमण भी सर हटाया जा रहा है? अतिक्रमण तो एक तरीके निरंतर एक्टिविटी है, वो चलते रहेगा, लेकिन हमारा कोशिश रहता है कि जो रोड है वो यातायात के लिए मुक्त रहे और लोग यातायात एकदम सुगम तरीके से चलते रहें। और दूसरा जो गाड़ियां आती हैं उनको पार्किंग करने के लिए रोड के किनारे जो जगह है तो दुकान जैसे बढ़ा के लगा लेते हैं तो उनको हटा के तो गाड़ियों की पार्किंग की व्यवस्था हो जाए। सर शहर में कई जगह जो है नाले के ऊपर स्लैब नहीं बना हुआ है या फिर नाले की प्रॉपर सफाई नहीं हो पा रही है, जिस वजह से जल जमाव खास करके बहुत ऐसे मोहल्ला है, वार्ड है जहाँ पर समस्या है। देखिए नगर निगम का हेल्पलाइन है और आप सीधे हमारे पास भी सूचना दे सकते हैं, नगर आयुक्त को सूचना दे सकते हैं तो हम लोग उस पर त्वरित कार्रवाई करेंगे। बता दें कि जिलाधिकारी शीर्षत कपिल अशोक ने भी इस साल जल जमाव नहीं होने देने का निर्देश दिया है। जिलाधिकारी ने शहर को जल जमाव से मुक्त करने के लिए नालों को अतिक्रमण मुक्त रखने का सख्त निर्देश दिया है। बता दें कि कई स्थानों पर लोग नालों को अतिक्रमण कर उस पर दुकान या घर बना लिए हुए हैं, जिसकी वजह से नाला जाम हो जाता है, जिसका कहीं न कहीं आम जनता को ही खामियाजा भुगतना पड़ता है। मोतिहारी से बोलता बिहार की रिपोर्ट। आपको हमारी ये रिपोर्ट कैसी लगी हमें कमेंट कर जरूर बताएं। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें। अगर आप यह वीडियो फेसबुक के माध्यम से देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।